एक शहर में जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ सफ़र कर रहे थे और रास्ते में उन्हें बहुत तेज प्यास लगने लगी, तभी उन्होंने एक शिष्य से कहा, तुम मेरे लिए पानी ले आओ। उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वह पानी की तलाश में एक गांव की तरफ गया। वहाँ उसने देखा एक नदी बह रही है। वह उसके पास पहुँचा तो उसने देखा वहाँ लोग नदी में मेले कपड़े धो रहे हैं, अपने पशुओं को नहला रहे हैं और बैलगाड़ी भी उस पानी से होकर गुजर रही है। तो नदी का पानी बहुत मेला हो गया है, उसकी मिट्टी पानी में घुल गई है, पानी बहुत ही गंदा हो गया है। उसने सोचा, इतना गंदा पानी मैं कैसे ले जाऊं, ये पानी पीने योग्य नहीं है। वह खाली हाथी वापस लौट आता है। बुद्ध उसे देखकर कहते हैं, लाओ पानी कहाँ है, क्या तुम पानी नहीं लाए? उसने कहा, नदी का पानी बहुत मेला है, इतना गंदा पानी मैं कैसे ले आता। तभी उन्होंने दूसरे शिष्य से कहा, तुम पानी ले आओ। वह उन्हें प्रणाम करके पानी लेने चला गया। कुछ समय बाद वह वापस लौटा, उसके पास बिल्कुल साफ पानी था। बुद्ध ने अपनी प्यास बुझाई और पूछा, इतना साफ पानी तुम्हें कहाँ से मिला? शिष्य ने कहा, यह पानी उसी नदी का है, मैंने वहाँ जाकर देखा, नदी का पानी बहुत मेला था। मैंने कुछ समय इंतज़ार किया, जब मिट्टी पानी में नीचे बैठ गई तब मैं पानी लेकर आया। बुद्ध ने अपने शिष्य को एक सीख दी, जिस तरह पानी में मिट्टी मिल जाने से पानी मेला हो गया था, उसी प्रकार मनुष्य के दिमाग में भी बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, इससे मनुष्य का मस्तिष्क भर जाता है। यदि हम शांत मन से सोचें और फिर कोई फैसला लें तो वह सही होता है। गुस्से में और अशांत मन में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं।